और मैं कहने लग रहा हूँ कि ठीक पनौती शब्द का ये शायद ना जाते महानुभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ना जाते हम जीत सकते थे, मैं कह रहा हूँ ये। तो वहाँ ऑडियंस प्लेयर्स को बूस्टअप करने के लिए जाती है और बजाय उनको बूस्टअप करने के वो तो मोदी 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 वो अटेंशन की जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे प्लेयर्स का जो मोरल है जो हाई होना चाहिए था उसको डाउन किया है। मुझे याद है फुटबॉल का मैच था जर्मनी के अंदर और हिटलर तानाशाह था वो उस मैच को देखने के लिए चले गए और जो प्लेयर्स थे उनको ये एक शंका खाई जा रही थी कि अगर कोई थोड़ा सा भी फाउल हो गया तो ये तानाशाह कहीं हमें मरवा ना दे। वो पूरी तरह से नहीं खेल पाए और जब वो फुटबॉल का मैच जर्मनी हार गया तो हिटलर ने ये लिखा अपनी किताब में कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तेलंगाना में बीजेपी है ही नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आप राजस्थान के अंदर भी आपको अचंभा होगा कि राजस्थान में भी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आज ये है कहाँ? आज तो ये कहीं नहीं है। आप पांचों स्टेटों के चुनाव देख लेना, कांग्रेस इज स्वीपिंग, कांग्रेस इज कमिंग इन पावर और कांग्रेस राज बनाएगी और 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर भी रिजल्ट देख लेना। इन राज्यों के चुनाव का असर हरियाणा में पड़ेगा? हाँ जी पूरा पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे, पनौती शब्द को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। अच्छा उन्होंने तो एक ऑडियंस ने कहा जो मैंने वीडियो देखा है कांग्रेस तो उन्होंने पूछा पनौती क्या पनौती, तो उन्होंने कहा उनको समझ में आया और मैं कहने लग रहा हूँ कि ठीक पनौती शब्द का ये शायद ना जाते महानुभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ना जाते हम जीत सकते थे, मैं कह रहा हूँ ये। कारण कि वहाँ ऑडियंस प्लेयर्स को बूस्टअप करने के लिए जाती है और बजाय उनको बूस्टअप करने के वो तो मोदी 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 वो अटेंशन की जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे प्लेयर्स का जो मोरल है जो हाई होना चाहिए था उसको डाउन किया है। तो मुझे याद है फुटबॉल का मैच था जर्मनी के अंदर और हिटलर तानाशाह था वो उस मैच को देखने के लिए चले गए और जो प्लेयर्स थे उनको ये एक शंका खाई जा रही थी कि अगर कोई थोड़ा सा भी फाउल हो गया तो ये तानाशाह कहीं हमें मरवा ना दे। वो उनके अंदर की जो कॉन्शियस थी वो पूरी तरह से नहीं खेल पाए और जब वो फुटबॉल का मैच जर्मनी हार गया तो हिटलर ने ये लिखा अपनी किताब में कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं उस मैच को देखने ना जाता तो हो सकता जर्मनी जीत जाता। और मैं अब दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मोदी साहब मैच देख वो तो ड्रेसिंग रूम में भी चले गए जहाँ रूल्स के मुताबिक वहाँ जा नहीं सकते आप, तो इट इज़ जस्ट ए शो ऑफ। ये तो सिवाय रोज़ाना अब मैं तो ये भी मैंने कहा है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी एड राजस्थान में 2000 की मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं मनोहर लाल जी खट्टर और उसकी एड दे रहे हैं हरियाणा में, वो पैसा किस कहाँ से जा रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। रोजाना जो पेपर भरे हुए आ रहे हैं जिसके अंदर खट्टर साहब की अरे देख ली फोटो आपकी देख ली सारा प्रदेश देखने लग रहा, अब तो कम से कम हाथ जुड़वा लो, लोगों का पैसा क्यों फूक रहे हो आप। तो ये चीज़ें आप लोग बड़े जागरूक हैं, आने वाले समय के अंदर आप देखना कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाएगी, देश में भी कांग्रेस सत्ता में आएगी और 5 स्टेटों में 5 के अंदर कांग्रेस विल स्वीप द पोल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।